अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, आपको जिस तरह रेडिट तो यूज़ करना आ चुका है और आपको पता है लिंक कर्मा भी क्या होते हैं और कमेंट कर्मा क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इन लिंक और कमेंट कर्मा को इंक्रीज करने की। यूज़ करने के लिए बेसिकली हम गूगल क्रोम के एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, जिसके अंदर ब्राउजिंग और एडिटर दो मेन एक्सटेंशन हैं। हमारा मेन फोकस एडिटर के ऊपर होगा, क्योंकि एडिटर हमें ईजी और इजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम मल्टीपल अकाउंट को किस तरह यूज़ कर सकें। मैं आपको एक सैंपल पोस्ट भी और सैंपल पोस्ट रेडिट के ऊपर पोस्ट करके उसको इंक्रीज करके शो करूंगा, ताकि आपको जो है वो बेहतर तरीके से उसका आइडिया हो सके कि इस रेडिट एप्लीकेशन को हमें किस तरह यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने गूगल क्रोम के ऊपर जाकर एडिटर की जो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एडिटर की वेब ऐप पे हमने क्लिक किया, जिस तरह बाकी क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल होती है हमने उसी तरह रेडिटर की ऐप को इंस्टॉल कर लिया। रेडिट के ऊपर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होने चाहिए, ताकि आप अपने एक पोस्ट को बूस्ट कर सकें। ये मैं रेडिटर की ऐप के अंदर आ चुका हूँ एक्सटेंशन के अंदर, और एक्सटेंशन के अंदर जैसा आप देख रहे हैं मेरे पास ये मल्टीपल अकाउंट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने सिर्फ कुछ अकाउंट्स हैं जिनको फोकस किया हुआ है, जिनके ऊपर मैंने मैक्सिमम लिंक कर्मा लेकर आने, बाकी ये मेरे सपोर्टिंग अकाउंट्स हैं जो कि सपोर्ट्स करेंगे इन मेन अकाउंट्स के लिंक और कमेंट कर्मा को इंक्रीज करने के लिए। अब हम सबसे पहले इन्हीं अकाउंट्स के ऊपर आ जाते हैं जिनके हमने लिंक और कमेंट कर्मा इंक्रीज करना है। अच्छा, इसमें एक और मेन चीज़ ये कि मल्टीपल अकाउंट्स ओपनिंग, मल्टीपल्स अकाउंट ओपनिंग हम किस तरह कर सकते हैं। मल्टीपल्स अकाउंट ओपनिंग के लिए हमारे पास क्रोम के अंदर एक फीचर अवेलेबल है। जैसा टॉप के ऊपर हमारे पास यहाँ पे हमने क्लिक किया स्विच पर्सन, स्विच पर्सन के ऊपर हम क्लिक करके जो है वो मल्टीपल्स लॉगिन्स कर सकते हैं जीमेल्स के। जब हम स्विच पर्सन करेंगे तो हमारे पास ऐड पर्सन की ऑप्शन आ जाएगी। हमें ऐड पर्सन के ऊपर जाके हमारे पास एक न्यू गूगल क्रोम की विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को ओपन होने के बाद हमने इसके अंदर जीमेल से अगर हम साइन इन हो जाए तो हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग न्यू यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इसी तरह मैंने 1, 2 और ये थर्ड वन, थ्री विंडोज के ऊपर थ्री डिफरेंट रेडिट अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं। फर्स्ट वन के ऊपर मेरे पास 136 की लिंक कर्मा अभी शो हो रहे हैं। सेकेंड विंडो के ऊपर मेरे पास 4000 लिंक कर्मा है, और थर्ड विंडो के ऊपर 105। फाइन, ठीक है। सबसे पहले हमने स्विच पर्सन करके मल्टीपल्स रेडिट अकाउंट्स जिनके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, जिनके लिंक और कमेंट कर्मा हम इंक्रीज करने हैं, उनको हम एट अ टाइम ओपन कर लेंगे। अच्छा, इसमें भी एक और चीज़, आपने ये ओपन तो कर लिए हैं लेकिन जैसे रेडिट की जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो उसमें जो एल्गोरिदम रन हो रहे हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, हमें उसको जो है ना वो बाईपास करने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, अभी हमारे पास ये जो 1, 2 और 3 डिफरेंट रेडिट अकाउंट्स हैं, इन सब के आईपीज डिफरेंट होने चाहिए। हम इनके आईपीज चेक कर लेते हैं कि ये डिफरेंट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो हम इनको किस तरह डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम ये फर्स्ट अकाउंट आ गया। ठीक है, इंटरनेट अर्निंग के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टूल्स को मैनेज करना। टूल्स बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप किस तरह इफेक्टिवली उनको यूज़ करते हैं, अपना टाइम मिनिमाइज करते हैं और किस तरह अपनी वर्किंग और उसको बेहतर बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे ये फर्स्ट अकाउंट है, इसका IP 107, सेकेंड अकाउंट 46 और थर्ड का 158। ये तीनों डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मैंने इन तीनों अकाउंट्स के ऊपर ब्राउजिंग जो कि आपकी आपको प्रॉक्सी प्रोवाइडर है, ये डिफरेंट फोर कंट्रीज जो है आपको प्रोवाइड करता है, नीदरलैंड, सिंगापुर, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने तीनों डिफरेंट गूगल क्रोम्स के ऊपर तीन डिफरेंट ब्राउजिंग के कंट्री सेलेक्ट किए हुए। मतलब कि क्या हुआ कि अब मेरे पास ये रेडिट अकाउंट जो है बॉक्स न्यूज 1 to 4, ये सिंगापुर, ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स से ओपन है। हमारे पास वॉल हंटर एक न्यू रेडिट अकाउंट, ये यूनाइटेड किंगडम से ओपन है। और थर्ड वन हमारे पास सीकर, ये हमारे पास सिंगापुर से ओपन है। ठीक है, इसमें ये होगा कि रेडिट को हम इजीली जो है ना वो रेडिट के जो रूल्स को फॉलो करते हुए हम डिफरेंट थ्री अकाउंट से डिफरेंट थ्री आई कंट्रीज के अंदर बैठे हुए वर्किंग करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास अकाउंट आ गया जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, जिससे हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा,
हम अब हमारे पास यूथर अकाउंट्स आ गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मेन चीज आती है कि हमने किस सब रेडिट को फोकस करना है और किस सब रेडिट के अंदर हमने अपनी पोस्ट जो है ना वो अपलोड करनी है, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं AWW ऑकी, फाइन। ऑकी के अंदर जाके हमने सबमिट और लिंक को कॉपी करना है। देखिए, मेन फोकस जो इस वीडियो का वो ये कि हम किस तरह क्विकेस्टली जो है ना कम से कम टाइम के अंदर जो है ना वो मैक्सिमम पोस्ट करके मैक्सिमम बूस्ट कर सकें अपनी रेडिट पोस्ट को, ठीक है। अच्छा, आप फॉलो करें। देखिए, सबमिट रेडिट सबमिट को हमने कॉपी किया, फर्स्ट अकाउंट के अंदर हम फर्स्ट अकाउंट में हमने ओपन कर लिया, सेकंड के अंदर भी हमने यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर दिया और ऊपर के अंदर भी। इसमें यह होगा कि हम चाहते हैं कि हमारी तीनों पोस्टें एट अ टाइम आए, ठीक है। तो हमने ये चीज़ ओपन कर ली, ठीक है, 1 2 3, ओके फाइन। अच्छा, अभी तीनों अकाउंट्स के अंदर हमारे पास सबमिट आ चुका है कि हम ऑल कैटेगरी के अंदर अपनी पिक्चर को या लिंक को सबमिट कर सकें। आपको मालूम है कि पिक्चर्स के लिए हम जो है वो इमेजर वेबसाइट्स के अंदर जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी सिंपल वेज डिफरेंट वेज हैं, आप अपलोड गूगल के अंदर सर्च करके भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, वो लेकिन उसमें टाइम टेकेंगे। हम सबसे सिंपलेस्ट और क्विकेस्ट वे के अंदर जाएंगे। ऑल कैटेगरी के अंदर आप क्या है, जानवर की तस्वीरें और मेजरली बनी और कैट्स और किटन की तस्वीरें पेस्ट करते हैं। तो हम इसके अंदर जाते साथ सबसे पहले मेंशन कर देते हैं कैट, फाइन। अच्छा, इसमें हमें बेतहाशा कैट की तस्वीरें मिल जाएंगी। हमने मेरा फोकस यही है कि हम क्विकेस्ट टाइम के अंदर, तो हमें जो उनसी तस्वीरें बेहतर लगती हैं हम उनको जो है वो न्यू विंडो के अंदर ओपन कर लेते हैं। बेहतर ये होगा कि आप जितनी पुरानी के अंदर चली जाए, ठीक है, उतना ही आपके लिए उस चीज उसका वायरल फैक्टर और उस चीज़ को वायरल होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये चेक कर लें, क्योंकि हमारे पास तीन रेडिट अकाउंट तीन डिफरेंट कंट्रीज से ओपन है, तो हमें तीन अच्छी तस्वीरें इमेजर्स की चाहिए, ठीक है। 1 हो गया, ठीक है, 2 और 3, फाइन, ओके। ये गिफ्ट है, गिफ्ट गिफ्ट के ऊपर वर्किंग नहीं करते, इमेज के ऊपर, फाइन। अभी हमारे पास ये तीन बहुत भी ये भी हमारे पास गिफ्ट आ गया, ठीक है। ये सेकंड पिक्चर आ गई, हम एक पिक्चर और यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से भी जो आपकी करेंगे तो ये देखें, ये मेंशन कर देता है हमें ये इमेज है, तो हमारे पास ये इमेज है या गिफ्ट है या एनिमेटेड अगर आएगा तो इसका मतलब ये गिफ्ट है, अगर यहाँ पे इमेज या एल्बम लिखाता है तो ये पिक्चर है, फाइन। अच्छा, ये देखें, हमारे पास इमेजर के ऊपर जो है वो तीन जो है वो बेहतरीन तस्वीरें आ चुकी हैं। अब देखें, हमने क्योंकि टाइम सेव करना है, हमने यहाँ सिंपल सिर्फ इस इमेजर का लिंक कॉपी करना है और हमने अपने एक एक क्रेडिट के ऊपर उसको पेस्ट कर देना है। यूआरएल पेस्ट किए, हम वहाँ पे गए, वही टाइटल कॉपी किया, वही टाइटल यहाँ पे पेस्ट किया, जल्दी से नीचे आए, हमने सबमिट कर दिया, ठीक हो गया, 1 डन। इसके बाद हम सेकेंड पिक्चर के ऊपर गए, इसका हमने यूआरएल कॉपी किया, सेकेंड अकाउंट पे गए, यूआरएल पेस्ट किया, वापस इस हम अपने पिक्चर पे गए, इसका टाइटल कॉपी किया, टाइटल कॉपी करने के बाद इसे टाइटल पेस्ट किया, रेडिट के दूसरे वाले अकाउंट पे जो दूसरे कंट्री से लॉग इन है पेस्ट कर दिया, ठीक है। कहते हैं सबमिट सबमिट पहले हुआ हुआ है, हम उसको वापस सबमिट अगेन कर देते हैं, इसमें कोई इतने बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करें कि यहाँ पे सबमिट री सबमिशन ना हो, ठीक। इसके बाद हम थर्ड पिक्चर के ऊपर गए, थर्ड पिक्चर का हमने यूआरएल कॉपी किया, थर्ड पिक्चर की यूआरएल कॉपी करने के लिए थर्ड कंट्री का जो रेडिट अकाउंट था उसके अंदर गए और वही यूआरएल और उसका टॉपिक सेम एज इट हमने पेस्ट करके सबमिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस चेक कर लेते हैं कि रिसबमिशन, ये देखिए ये सबमिट वापस इसने मेंशन किया कि सबमिट हो चुका है, हमने इसको इग्नोर करते हुए वापस रिसबमिट कर दिया, ठीक है, ये सेकेंड हो चुका था। और ये थर्ड अकाउंट है, थर्ड अकाउंट में भी ऑप्शन दे रहा है कि सबमिट। देखिए ये पिक्चर, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने आप ओल्ड भी जाएंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है, ये आपने सर्च कर लेनी है, लेकिन सबमिट रिसबमिट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मेन मकसद मैं जो हमें बताने का वो कि अपनी पोस्ट को हमने कैसे अपवोट करके उसको बूस्ट करना है, ताकि हम बूस्ट करेंगे तो वो चीज़ राइजिंग में जाकर इवेंचुअली वायरल हो जाएगी, ठीक है, फाइन। नाउ हम अपने फर्स्ट अकाउंट में आके ऑकी कैटेगरी में जाते हैं, ऑकी कैटेगरी के अंदर हम गए, ऑकी कैटेगरी के अंदर न्यू के अंदर चले गए और हम चेक कर लेते हैं कि हमारी पोस्ट जो है इसके अंदर कितनी आ गई है। देखिए, सीकर 1 आ चुका है, बॉक्स न्यूज 1 2 4 आ चुका है, ठीक है, हंटर 2 आ चुका है, फाइन। 3 अकाउंट्स आ चुके हैं। अब हमने जो जो लॉग इन हुए हुए थे, ठीक है, इनसे एक दूसरे को तो हम बूस्ट पहले कर दें, ये सिंपल सा स्टेप है कि आपस के अंदर 3 x 3 बूस्ट तो हो जाए हमारे पास, ठीक है। इसमें भी हम ऑ के अंदर गए,
थर्ड अकाउंट के अंदर भी हम आ की कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम वापस न्यू में चले गए, और जो दूसरा अकाउंट था इसमें भी न्यू में चले गए, ठीक है। हमारे पास सीकर 1 to 4 का हमने अपवोट कर दिया, और हमारे पास वॉल एंटर हो चुका है, और ये सीकर, ठीक है, फाइन। और ये सेकंड अकाउंट, इसने भी न्यू में गए, ये बॉक्स न्यू उसको हमने कर दिया, और वॉल एंटर को भी अपवोट कर दिया, फाइन। ये तो सिंपल हमने 3 अकाउंट्स को आपस में कर दिया। अब बात आती है मेन कि रेडिटर जो एक्सटेंशन थी हमने उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अब हम रेडिटर एक्सटेंशन के अंदर आ गए, जहाँ पर हमारे पास ये मल्टीपल अकाउंट्स है, 10 to 15, 10 to 15 अकाउंट है कि अब 10 to 15 अकाउंट से हमने उन तीनों पोस्ट को हमने अपवोट करना है, ठीक है। तो हम रेडिटर ऐप के अंदर आके सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ, आपने यहाँ पे एड्स करने अकाउंट में, ऐड कैसे करेंगे, अपना रेडिटर का यहाँ पे यूजर नेम दिया, यहाँ पे उसी का पासवर्ड दिया, यहाँ पे ऐड किया, तो वहाँ पर इसी तरह ये 15 अकाउंट, जितने भी आपके मल्टीपल अकाउंट्स आप यहाँ पर सेव कर लेंगे। इसके बाद हम ऑ की कैटेगरी में आते हैं, ऑ की कैटेगरी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। ऑ की कैटेगरी के अंदर न्यू के अंदर हमने पोस्ट किया था, ठीक है। तो हम इधर जाके ये न्यू सिलेक्ट हुआ, हमने न्यू सिलेक्ट कर लिया, फाइन। न्यू सिलेक्ट करके क्या होगा कि हम सबसे पहले अपने पहले अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। मेन मकसद ये कि रेडिटर से हम कितना फास्ट जो है वो इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रेडिटर अकाउंट के बाद ये देखिए, हमारे पास हमारी सीकर बॉक्स 1 2 3 4, और हमारे पास वॉल एंटर, अब आप चेक कर रहे हैं ये 3 3 3 3, और ये हमारे पास 4 के ऊपर। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ से लॉग इन करना है 1 2 8 पे, यहाँ से लॉग आउट हम कर लेते हैं क्योंकि हमारा 4th अकाउंट ओपन हुआ है, हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं ताकि हम जो एक्सटेंशन है रेडिटर की उसको इफेक्टिवली यूज कर सकें। ओके, हमारे पास पॉलिसी में 1 to 0 आ चुका है। अभी चेक कर ले मैंने ब्राउजर की एप्लीकेशन, अपनी आईपी जो है वो सिंपल पाकिस्तानी रखी हुई है, ठीक है, ताकि मैं फर्स्ट टाइम अपवोट कर सकूँ। 3 3 अपवोट अपवोट, फाइन अपवोट, ओके नाउ व्हाट। अच्छा, अब ये हो चुका है 1 to 0। अब मैं 1 to 1 नेक्स्ट अकाउंट में जाऊंगा तो साथ साथ मैं फास्टली अपना आईपी भी चेंज कर लूंगा, ठीक हो गया, मैं सिंगापुर से अब लॉग इन हो गया, ठीक है, 1 to 21, और मैंने अपनी कंट्री भी चेंज कर ली। अच्छा, अब ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सिंपल आपसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपको ना अपना पासवर्ड डालने की जरूरत है ना किसी और चीज़ की। देखें, खुद ब खुद ही इसने जो है ना वो अकाउंट चेंज कर लिया। मैं जल्दी से नीचे आया, 4 था इसको मैंने 5 किया, ये 3 था इसको 4 किया, और इसको मैंने वापस 4 कर दिया, ठीक है। मैं वापस गया, मैं अपने थर्ड अकाउंट पे आया, मैं प्रॉक्सी चेंज की, मैंने कंट्री चेंज कर दिया, सिंगापुर, मैं अब यूनाइटेड किंगडम में चला गया, सॉरी यूनाइटेड किंगडम में चला गया। अब मैं इधर से वेट करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली चेंज करेगा, ठीक है। हमें यूनाइटेड किंगडम से एक थर्ड अकाउंट से जो है ना लॉग इन हो चुका हूँ, देखिए 5 हो चुका, मैं इसको अप करता हूँ 6, ये 5 और ये 5, फाइन। अब मैं इसी तरह जो है अपने 4th अकाउंट से जाता हूँ, एकदम से मैं अपने जल्दी से कंट्री चेंज करके यूनाइटेड स्टेट कर लिया मैंने, ठीक है, फाइन यूनाइटेड स्टेट। नाउ विद अदर, ये देखिए 7, ये देखिए जिस किसी कितना फास्टली जो है वो अपवर्ड्स हो रही है, नॉट बिकॉज कॉन्टेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ से इंक्रीज हो रही है। नाउ नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट कंट्री नीदरलैंड, ठीक है, न्यू अकाउंट न्यू कंट्री और न्यू लाइक्स, ठीक है। और इसमें आपको जो है मेन मेन चीज़ ये कि आपने अपने टाइम को इफेक्टिवली जो है ना वो यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम उससे आउटपुट लेनी है, फाइन। ये चीज़ हो चुकी है, हम जल्दी से नीचे आए, हमने अपना फर्स्ट पोस्ट को अपलोड किया, 8 8 9, ठीक है, 135 127 पे चलेगा, कंट्री चेंज किया, सिंगापुर चला गया। अच्छा, वहाँ से चेक भी कर लें कि ये कुछ हो भी रहा है यहाँ पे, ये नहीं हो रहा, इसके तो बहुत ज़्यादा लिंक करना है, इसको हम छोड़ देते हैं, वॉल हंटर पे चले जाते हैं। वॉल हंटर के ऊपर हमारी जो पोस्ट हमने की थी चेकआउट, इन जस्ट इन 3 मिनट्स वी गॉट 9 लिंक करना, दिस नॉट स्टॉप, वी आर स्टिल पुशिंग इट, ओके। 127 के ऊपर आ गया हम वापस, ये देखें 8 अपवोटेड अपवोटेड एंड अपवोटेड, सामने 5 128, चेंज द कंट्री यूनाइटेड किंगडम ना, बिकॉज ये बूस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बूस्ट हम देंगे तो ये राइजिंग के अंदर जाएगी, और राइजिंग के अंदर जाते साथ ही हमारी मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे कि ये
वायरल या हॉट के अंदर चली जाए। स्टिल एम्बिग्यूटी है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन यू कैन गेट मल्टीपल लिंक करना, मतलब कि आप इस प्रैक्टिस को करते हुए इजीली 200-300 जो है वो लिंक करना इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन भी इसकी बता दूंगा कि अगर अभी हमने 3 पोस्ट की थी, हमारे पास 15 अकाउंट है, तो 3 × 15 45 लिंक करना हम विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स जो है वो सेल्फ वोटेड अपवोटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट कंट्री, यूनाइटेड स्टेट हो गया, नीदरलैंड, फाइन। देखिए 12, 13, 11, 11, ओके। नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट कंट्री, ओके, वी हैव 12, 13 एंड दिस इज 11, ओके, दिस इज 13, फाइन। मूविंग टू नेक्स्ट अकाउंट, बीच वाले अकाउंट मैंने इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि ये वही अकाउंट्स थे जो कि हमने जिनसे हमने पोस्ट की थी, वो हमने ऑलरेडी आपस में म्यूचुअली अपवोटेड कर दी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है उनके अंदर उनको सिलेक्ट करने का। ओके, नाउ दिस इज 14, दिस इज 14 एंड मिस्ड दिस वन, दिस इज 14, फाइन। ओके, दैट्स इनफ, हमारे पास इतने अकाउंट्स हैं, इन सबसे अपवोट कर दिया और हम जाके इसको रीचेक कर लें कि आया इसका कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। हम सबसे पहले इस फर्स्ट अकाउंट में जाते हैं, फर्स्ट अकाउंट में बॉक्स ऑफिस, सेकंड सीकर एंड थर्ड बॉक्स ऑफिस, 1 to 4, ओके। चेक, 14 लिंक कर्मा हमारे पास 5 मिनट्स के अंदर, 14 हमारे पास लिंक कर्मा हो गया, अपवोटेड हो गया। इसके बाद सेकेंड अकाउंट के अंदर विद इन 6 मिनट्स 9 अपवोटेड हो गए हैं और 513, इसके 9 इसलिए क्योंकि बाद लोगों ने इसको शायद डीवोट भी किया, ठीक है, फाइन। दिस सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सटेंशन ऑफ गूगल क्रोम, रेडिटर वेब वेब ऐप, द बेस्ट रेडिट क्लाइंट, फाइन। फॉर दिस यू नीड टू हैव मल्टीपल रेडिट अकाउंट्स लॉग एट दम इन दिस पर्टिकुलर एक्सटेंशन, आफ्टर दैट पोस्ट समथिंग ऑन रेडिट फ्रॉम डिफरेंट रेडिट अकाउंट्स विद डिफरेंट कंट्रीज so that you not get banned. After that you have to upvote from Reddit. Fine. कोई सवाल हो आप तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।